घ्यायला लागणार आहे आणि मला त्यांचा तुम्हाला सर वेट सर होल्ड प्लीज लेट अस आइए बस सर यहाँ पे यस स्ट्रेट बोथ ऑफ यू स्ट्रेट 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 सर हेलो सर यस यू बोथ ऑफ यू मूव सर यहाँ पे वन मोर यस बोथ ऑफ यू मैसेज कैन यू जस्ट कम टुवर्ड्स योर लेफ्ट यस यू प्लीज सर यहाँ पे सर यहाँ पे मो यस सर यो सेंट्रल सेंट्रल तीसरा नंबर सो यू ड्रिंक सिंगल सिंगल हाँ एक बार भाई बोल देना आप लोग कैमरामैन बोल देना तो हम बाइक चल मेरा पहला शो एज अ होस्ट तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बहुत मस्ती होती है यू कैन हैव सो मच फन एज अ होस्ट तो मज़ा आ रहा है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक डांस शो का होस्ट बनूंगा बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैंने झलक किया था कलर्स पर ही तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उसमें मैंने बहुत मेहनत की अपने ऊपर एंड जो मैं करता था डांस उससे मैं काफ़ी यू नो बेहतर बना और मेरी अपनी एक जर्नी रही है डांस को लेकर एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि आई एम होस्टिंग अ डांस शो एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और सबसे ख़ास बात ये शो होस्ट करने की है कि आई एम इन लव विद माधुरी जी बचपन से एंड आई एम वर्किंग विथ हर सो आई थिंक इट्स फॉर मी इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन जी इट इज़ चैलेंजिंग यू हैव टू बी यू गॉट टू बी विटी यू गॉट टू बी रियल एक्चुअली मुझे लगता है कि होस्टिंग का कभी कभी मुझे लगता है ना एक फॉर्मेट बन गया है जो मैं फॉलो नहीं कर रहा इन टर्म्स की आई वॉन्ट टू बी रियल इस शो पर एवरी थिंग डजन हैव टू बी फनी एंड एवरी थिंग देर आर सम थिंग्स कॉल्ड इमोशंस और रियलिटी शो में रियल इमोशंस का मज़ा कुछ और होता है और कभी कभी पता लग जाता है कि यार ये नकली इमोशन है या हम देखते हैं हमें खुद पता चलता है तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडियंस से जो मैं कनेक्ट बनाऊँ वो रियल बनाऊँ मैं यूजुअली तो एज एन एक्टर आई हैव बीन डूइंग सोप्स टीवी शोज जो लोग देखते हैं तो उनके साथ मेरा एक कनेक्शन है ऑलरेडी वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे प्यार देते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ उस तरीके का कनेक्ट बनाऊँ किसी को कभी मुझे नीचा नहीं दिखाना किसी की इंसल्ट नहीं करनी जो काफ़ी सारे शोज़ पे हम देखते हैं कि होती है तो मुझे वो सब नहीं करना बट मस्ती करनी है जो जेन्युइन मस्ती होती है जिसको देख कर आपको अच्छा लगता है तो आप एज अ होस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप की होस्टिंग भी लोग पसंद करें सुपर एक्साइटेड हूँ
आंखों से बता देता हूँ, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक उनकी शी इज़ लाइक द डांसिंग क्वीन, डांसिंग दीवा, द धक धक गर्ल, सो एंड शी इज़ वेरी हम्बल. सबसे उनकी खास बात यह है कि जिस वो इतना मीठा बोलती हैं, इतना प्यारा बोलती हैं कि कोई नाच आकर भी लाइक ही फॉल इन लव विथ हर एंड दैट्स वाई शी इज़ लाइक शी इज़ अ लेजेंड. और उनके साथ काम करना, सेम यू नो, बी ऑन द सेम स्टेज, बी इन द सेम फ्रेम, आई थिंक आई कुडंट हैव आस्क्ड फ्रॉम गॉड एनीथिंग मोर. आई थिंक काफ़ी सारे एक्चुअली एक एज व्हेन यू आर अ होस्ट एंड यू आर ऑन स्टेज, इतने सारे मोमेंट्स होते हैं, इतनी सारी मस्ती होती है, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं. बट सबसे कमाल का मोमेंट है जब हमने स्टेज पर एक साथ डांस किया था. एंड आई थिंक डांसिंग विद माधुरी जी इज़ लाइक द बिगेस्ट मोमेंट फॉर एनी बडी. तो वो मेरे लिए भी एक फैन मोमेंट था, एक ऐसा मोमेंट था विच विल आई ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. शो की बात करूँ तो कमाल का कॉन्सेप्ट है, थ्री जनरेशन्स यंगस्टर्स, जो बच्चे, यंगस्टर्स एंड सीनियर्स, तीनों एक साथ एक शो में आपको देखने को मिलेगा. उनकी दीवानगी देखने को मिलेगी और वो तीन ग्रुप्स में से एक एक विनर होगा और वो तीन विनर्स फिर फाइनली कम्पीट करेंगे टू बिकम द अल्टीमेट डांस दीवाना. और इट्स गोना बी अ टफ कॉम्पिटिशन. देखते हैं कौन से जनरेशन में से एक्चुअल विनर बनता है. सब लोग जो हमारे ऑडिशन राउंड्स हुए हैं, बहुत कमाल का टैलेंट देखने को मिला है. कुछ ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो लोग सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, बिकॉज वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं. और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इतना कमाल का डांस करते हैं कि यू कांट जस्ट टेक योर आइज़ ऑफ देम. कुछ सीनियर्स हैं हुव बिन थ्रू सम टफ स्ट्रगल्स इन लाइफ, लेकिन वो डांस के इतने दीवाने हैं कि वो आज भी यू नो उस पैशन को उन्होंने छोड़ा नहीं. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड नॉट ओनली टू होस्ट द शो बट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस कॉल्ड डांस दीवाने. फैंस को ये कहूँगा प्लीज़ वॉच डांस दीवाने. मेरा पहला शो है एज अ होस्ट. वी हैव गॉट एन अमेजिंग जजेस का पैनल, शशांक, तुषार, कालिया एंड माधुरी जी. तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस शो को देखें. एंड सबसे ज़्यादा कमाल के जो है वो हैं हमारे कंटेस्टेंट्स जो कम्पीट करेंगे. तीन जनरेशन्स हैं तो हर कोई ये शो देख सकता है. बच्चे, यंगस्टर्स, हमारे जो बड़े हैं वो भी देख सकते हैं. और इट्स लाइक आई थिंक इट्स अ टोटल एंटरटेनिंग एंड अ पावर पैक शो. सो देखना ना भूलिए डांस दीवाने. 2 जून से आ रहा है, सैटरडे संडे 9 PM. थैंक यू. आपने बहुत सारे शोज़ पहले देख चुके हैं डांस के ऊपर जो आ रहे हैं, बट दिस शो इज़ यूनिक क्योंकि पहली बार आप देखेंगे तीन जनरेशन्स को डांस करते हुए. और हम बोलते हैं, कहावत है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर. डांस करने की कोई उम्र नहीं होती. वी आर प्रूविंग इट क्योंकि वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू पीपल जिनका जो 4 साल के हैं, जो 40 साल के हैं, जो 80 साल के हैं, इवन दे कैन कम एंड परफॉर्म. तीन जनरेशन जो हैं वो हैं कि हमने एज ब्रैकेट दिया है एज जनरेशन को, फ्रॉम 4 to 18, 18 to 35, 35 एंड अबव. सो देयर थ्री जनरेशन कम्पीटिंग टुगेदर. सो इट्स गोना बी ग्रेट फन. वी हैव ऑलरेडी डन 3 episodes. वी हैव शॉट 3 episode ऑडिशन एंड ट्रस्ट मी वी हैव गॉट सम अमेजिंग टैलेंट. द जर्नी इज़ बिन इनक्रेडिबल. बहुत ही एक इवेंटफुल जर्नी रही है. बहुत कुछ सीखने को मिला है. आई स्टार्टेड एज अ कंटेस्टेंट, देन एज अ कोरियोग्राफर, देन एज अ स्टेज डायरेक्टर, एंड नाउ आई एम अ जज. तो जर्नी बहुत लंबी रही है लेकिन बहुत मज़ेदार रही है. आई मीन जब मैं झलक पे एज अ कोरियोग्राफर था तो माधुरी मैम ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा है 2 साल. एंड उसके बाद आई स्टेज डायरेक्टर इज इंडियाज़ गॉट टैलेंट.
एंड माधुरी मैम के साथ मैं आई हैव डन लॉट ऑफ शोज विद हर. मैंने बहुत से शोज उनके लिए कोरियोग्राफ किया है, परफॉर्म्ड विद हर एज वेल इन झलक ओनली. बट दिस इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस टू शेयर अ सेम पैनल विद हर. बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. मैंने 3 दिन शूट किया है उनके साथ, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सीख रहा हूँ उनसे. एंड शी इज़ जस्ट अ जीनियस, शी इज़ लाइक अ लेजेंड. जैसे वो डांस करते हैं आई डोंट थिंक कोई और डांस कर सकता है. Well, first day of the shoot, being a judge, and you're sitting right next to Madhuri ma'am and Shashank. I worked with both. I've choreographed a song for Shashank in Dhadak, and first day I was very nervous ki kaise hoga, kaise jayega, because as nature-wise I'm a very introvert person. I don't talk much. और मेरा एज अ जज मेरा काम ही है उनको बात करना, उनको बताना. तो मैं बहुत नर्वस था, तो मैंने शशांक से डिस्कस किया, माधुरी मैम से डिस्कस किया. आई थिंक द फीडबैक दैट दे गेव मी रियली हेल्प मी अलॉट. तो उनके साथ बैठ के मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ. द वे दे इंटरेक्ट विद द कंटेस्टेंट, द वे दे इंटरेक्ट विद मी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो फर्स्ट डे आई वॉज लिटल नर्वस, बट द सेकेंड डे एंड द थर्ड डे वेंट ऑफ वेरी नाइसली. वेल डांस स्टेप हमारा डांस दीवाने का एक बहुत सिंपल सा हुक स्टेप है, आई थिंक वो कोई भी कर सकता है. तो हमने बहुत ही सिंपल रखा है. तो इवन इफ यू वांट यू कैन आल्सो जॉइन मी एंड यू कैन डू इट. इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट पॉइंट एंड यू जस्ट गो साइड. इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट गो वन एंड गो साइड. इट्स वेरी सिंपल, एनीवन कैन डू दिस एट होम. वेल मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वॉच दिस शो, क्योंकि दे समथिंग यूनिक. बहुत ही यूनिक शो है और पहली बार आप 3 जनरेशन्स को एक साथ डांस करते हुए देखेंगे, कम्पीट करते हुए देखेंगे. एंड इट्स ऑन ओनली ऑन कलर, सो प्लीज़ वॉच एंड सपोर्ट अस. थैंक यू सो मच जी. आई थिंक जब कलर्स चैनल मेरे पास आया ये शो का फॉर्मेट लेके जिसका नाम था डांस दीवाने, जो सबसे अपीलिंग चीज़ मुझे लगी थी वो ये है कि इस शो में एज लिमिट नहीं है. शो का नाम है डांस दीवाने, आप कितने भी उम्र के हो आप आके इस फॉर्मेट में डांस कर सकते हैं, इस मंच पे डांस कर सकते हैं. तो मुझे ये सबसे यूनिक चीज़ लगी थी इस शो के बारे में, और आई थिंक ऑडियंसेस को भी यही यूनिकनेस लुभाने वाली है कि उम्र की कोई सीमा जैसे बोलते हैं वो नहीं है. आपको अगर डांस आपके रग रग में है, आपको डांस करने का मन है, आइए और डांस कीजिए. और जो हमारा ऑडिशंस का दौर रहा है उसमें हम ऑलरेडी काफ़ी कहानियां देख चुके हैं, जहां पर कुछ लोग थे जो बचपन में डांस नहीं कर पाए, काफ़ी लेडीज़ थी जो जिनकी अर्ली शादी हो गई, जो डांस के दीवाने थे पर उन्हें मौका नहीं मिला, और अब इस शो के कारण उन्हें फिर मौका मिल रहा है, भले ही वो 40 की हों या 50 की हों, आके अपना जलवा दिखाने का. तो मुझे लगता है ये जो यूनिकनेस है इज़ वॉट डांस दीवाने स्टैंड्स फॉर. जी, तो जैसा कि हमारा फॉर्मेट होने वाला है कि हम ऑडिशंस के बाद 18 लोगों को मेन शो में लेके जाएंगे, जहां पर हर जनरेशन से 6 परफॉर्मर्स होंगे, और अल्टीमेटली फिनाले में हर जनरेशन से एक एक विनर आएगा, और उसके बाद हमारा अल्टीमेट डांस दीवाना निकलेगा. तो आई थिंक बहुत यूनिक फॉर्मेट है, बिकॉज एट एवरी स्टेज हमारे पास युवा, बच्चे और बड़ों का एक बैलेंस रहने वाला है, और टॉप 3 में भी हर एक जनरेशन से एक कंटेस्टेंट रहने वाला है. तो उस कारण से बहुत यूनिक होगा. कुछ लोग टेक्निक लेके आएंगे, कुछ लोग प्योर पैशन लेके आएंगे, और कुछ लोग डिज़ायर लेके आएंगे. तो मुझे लगता है उस कारण से एक बहुत यूनिक शो बनने वाला है. So, recently, अभी एक आपका नया फिल्म भी आ रहा है धड़क करके. जी. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज मैं डांस दीवाने के बारे में बात करूँगा, कुछ दिनों में हम धड़क की बातें शुरू करने वाले हैं, आपको सबको पता चलेगा कि उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, पर आज का जो मौका है सिर्फ डांस दीवाने की बातें करेंगे. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. मैं उनको बस यही कहूँगा कि जितना एक्साइटेड मैं इस शो को लेके हूँ, होपफुली आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं. हम एक बहुत यूनिक फॉर्मेट लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिएगा, इस दीवानगी को देखिएगा, और सिर्फ बैठे मत रहिएगा, अगले सीजन में पार्टिसिपेट भी कीजिएगा. थैंक यू सो मच. ले लो माइक आगे ले लो, पड़ी है.
प्लीज थोड़ा थोड़ा पीछे प्लीज थोड़ा स्पेस दे अपनी थोड़ी थोड़ी ज्यादा मैं दूंगी मैं देने बाद में देखना भाई माधुरी मैम समोर माधुरी मैम समोर माधुरी मैम समोर माधुरी माधुरी मैम समोर 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 मैडम सामने डांस के लिए प्रोमो के लिए हाँ तो डांस दीवाने में एक खासियत ये है इसकी कि पहली बार रियलिटी शो में कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब आप किसी भी एज के हो सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें तीन जनरेशन्स कम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, यंगस्टर्स, यूथ और एडल्ट्स, और तीनों जनरेशन में हमें बहुत ही बेहतरीन डांसर्स मिले हैं तो लोग वो देख ही लेंगे अभी. थोड़ा लाउड जी. हाँ, रेस 3 के प्रमोशन के लिए सलमान खान, अनिल जी और उनका पूरा जो स्टार कास्ट है वो आया था और बहुत मज़ा की उन्होंने. सलमान जी तो कुछ स्पेशल मूड में थे तो हर पार्टिसिपेंट के साथ डांस भी कर रहे थे वो, और अनिल जी, और उनमें कंपटीशन फिर छिड़ गई कि कौन ज़्यादा एक्टिव है और कौन ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो बहुत मज़ा आया. कौन सा ट्रेलर? रेस 3 बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर है, मतलब गाड़ियाँ उड़ रही है और ऐसा लग रहा है बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है. वो खुद को कहते ही हैं बॉडीगार्ड, बोलते मैम हम लोग तो आपके बॉडीगार्ड हैं, हम एक 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 तरफ बैठा हुआ है एक दूसरी तरफ. लेकिन जोक्स अपार्ट, तुषार बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, झलक में भी रह चुके हैं, टॉप 3 में थे हमेशा कोरियोग्राफी में और अब फिल्म्स भी कर रहे हैं कोरियोग्राफ वो. और शशांक तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, दोनों फिल्म्स उनकी बहुत चली और बहुत अच्छी बनाई थी, खुद डांसर रह चुके हैं, डांस सिखा भी चुके हैं तो उन्हें भी सेंस ऑफ डांस है, पिक्चराइजेशन है, तो कॉन्सेप्ट्स ये सब, तो बहुत मज़ा आने वाली है जब हम तीनों दीवाने इन सब दीवानों को जज करेंगे. वेल वही कहा मैंने, जब झलक में वो जज कर कोरियोग्राफर थे और हम जज करते थे तो उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कोरियोग्राफी है बहुत ही बेहतरीन रहती थी हमेशा, तो वो करेक्ट पर्सन है जो एज अ कोरियोग्राफर
एडवाइस दे सके जो आते हैं कंटेस्टेंट्स कोरियोग्राफी के बारे में या उनके टेक्निक के बारे में, तो ही इज द राइट पर्सन टू डू दैट। तीनों जनरेशन को जज किया है, तो सबसे इफेक्टिव देखिए, आई वॉज वेरी सरप्राइज जब एडल्ट जनरेशन में भी इतने अच्छे अच्छे डांसर्स मिले हम लोगों को जो यंगस्टर्स की जनरेशन को टक्कर दे सकते हैं। यूथ तो फॉरगेट द यूथ, यंगस्टर्स को भी दे सकते हैं, तो बहुत टक्कर की कंपटीशन रहने वाली है ये। वेल हाँ, सब आए थे और बहुत मज़ा आया क्योंकि वरुण आलिया ये सब आए बकेट लिस्ट देखने के लिए। पिक्चर लोगों को पसंद आ रही है, सो होपफुली जब कल रिलीज़ होगी तो ऑडियंस को भी पसंद आए। बस देखते हैं जब थिएटर में रिलीज़ होगी तभी रियल टेस्ट है। वेल यही कहना चाहूँगी कि डांस दीवाने आप ज़रूर देखना क्योंकि सैटरडेज़ और संडेज़ को 9 बजे आएगा कलर्स पे, तो जब आप डिनर वगैरह कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि घर पे भी कंपटीशन शुरू हो जाएगी। दादा दादी कहेंगे नहीं हमारी जनरेशन, बच्चे कहेंगे नहीं हमारी, और पेरेंट्स बोले नहीं हमारी जनरेशन विन करने वाली है। तो बहुत खूब कॉम्पिटिशन सिर्फ टी वी पे नहीं घर में भी होने वाली है। ये अनोली ड्रेस डिज़ाइनर, क्या नाम है उनका, अनोली, सब नए बच्चे हैं सब जो बना रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस बना रहे हैं इन लोग। और लो आपको पसंद आया ये तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू।